नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त रीवा के त्योंथर से बड़ी खबर, जहां विद्यालय गए छात्र का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की जानकारी परिजनों को फिरौती की रकम मांगे जाने पर हुई है। परिजन प्रयागराज की खीरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं छात्र मध्य प्रदेश की सीमा चाक घाट में संचालित सेंट मेरी विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आ रहा था, उसी वक्त यह घटना घटी। फिलहाल परिजनों ने प्रयागराज पुलिस से संपर्क कर घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लोकेशन के आधार पर धरपकड़ की गई। रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन पर त्योंथर एसडीओपी व सुहागी पुलिस ने 4 घंटे में त्योंथर के बराखुर्द जंगल में छात्र सहित एक अपहरणकर्ता को पकड़ लिया है। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं चाक घाट से हमारे रिपोर्टर ईशु केसरवानी की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कौन से ग्राम का निवासी है? नदौरा। क्या घटना आज आपके साथ घटी? आज हमें 2 लोग पकड़ के ले गए थे और 50,000 रुपए मांग रहे थे। बोल रहे थे नहीं दोगे जान से मार देंगे। घटनाक्रम कैसे शुरू हुई आपके साथ, जब आप विद्यालय के लिए निकले कैसे? क्या वहाँ से हम नाव से उतरे, खड़े हुए, आज बस नहीं आई तो हमने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगा, उसने लिफ्ट दिया, फिर मैं आया प्लांट के सामने, ये लोग मुझे उतार के ले गए और ले गए फिर 2-2.5 किलोमीटर दूर वहाँ जंगल में ले गए और बोलते थे पैसा नहीं मंगाओगे तो जान से मार देंगे, यही शब्द धमकी दे रहे थे। जिन लोग उधर आपको ले जाया गया था, क्या उसको आप पहचानते थे? हाँ पहचानते थे, अमाव के हैं, मेरी वहाँ रिश्तेदारी थी इसलिए हम उनको पहचानते थे। ये बाइक से ले गए थे आपको? नहीं, पैदल लाठी डंडा के सहारे, चाकू के सहारे ले गए थे। पहले आपको बाइक से लिफ्ट दी थी? दूसरे लोग से लिफ्ट मांग के आ रहे थे स्कूल, हाँ तो उसने फिर ले गए मुझे वहाँ से उतार लिया उस बाइक को, बोले तुम जाओ इससे मेरा काम है, और फिर उतार के फिर डंडा लाठी लेकर चाकू लेकर फिर वो ले गए वहाँ तक। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया उन्होंने? हाँ मारा है। जैसा कि आज विद्यालय जा रहे छात्र के साथ अपहरण की घटना घटी है, पूरी घटनाक्रम क्या है सर और किस प्रकार से आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई? ये 100 डायल पर सूचना मिली थी कि प्रियांशु नाम का लड़का है और उसकी किडनैपिंग हो गई है, तो उस सूचना के आधार पर हम लोग सक्रिय हुए। थाना चक घाट की पुलिस, थाना सुहागी की और साइबर सेल की मदद से लोकेशन प्राप्त करके और पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके और उनको पकड़ा है, जिन्हें वो किडनैपर थे। तो बच्चा भी मिल गया है जिसको किडनैप किए हैं और एक किडनैपर भी मिला है और बाकी एक भाग गया है जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। जैसा कि छात्र विद्यालय जा रहा तो कहाँ से इनको मतलब बरामद किया गया? ये बड़ा गांव के पास आसपास जंगल में मिला है और ये स्कूल अपने आ रहा था अपने घर से और इसने एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट लिया था, वो अनजान आदमी ही था और 2 लड़के आगे जाकर के मिले और उस मोटरसाइकिल से इस लड़के को उतार लिए कि हमको कुछ काम है और इसको लेकर के चले गए थे। और ये लड़का के बताने के अनुसार ये उनको पहचानता था लेकिन वो इसको ऐसा दर्शा रहा था कि जैसे ये उनको नहीं पहचानना है, पर वास्तविकता ये थी कि उनको पहचान रहा था, ये आभास नहीं होने दिया जो समझदारी का काम किया उसने कि ये उनको जानता है। सर जैसा कि एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुआ है, आगे की क्या कार्रवाई की जाए? तो एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो गया है और दूसरे की तलाश में अभी पुलिस लगी हुई है। मावे का है सर, ये रोड पर घर है इसका, जो पकड़ा गया है इसका रोड पर घर है। वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर। नहीं, चाकू लाठी।